हेलो भाई लोग, एफडी है आप लोगों का स्वागत है एक और माइनक्राफ्ट पजल जो सर्वाइवल सीरीज की वीडियो के अंदर। गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोगों का गोल होने वाला है डायमंड फाइंड करना, साथ ही में हम लोगों को यहाँ पर छोटे मोटा कुछ फॉर्म भी बनाना है ताकि हम लोग की जो खाने की समस्या है वो यहाँ पर दूर हो पाए। और जो ये पीछे पागल सा बंदर दिखाई दे रहा है इसको इग्नोर करना, ये मेरा भाई है। तो गाइस हम लोग को सबसे पहले कुछ एनिमल्स के लिए फार्म बनाना है ताकि हम उन्हें मार के बाद में खाना खा सकें, क्योंकि यार हम लोग को यहाँ पर बहुत सारी फूड की दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें सबसे पहले फार्म बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग फूड लेके माइनिंग पे जा सकें। और उसके लिए हमें बहुत सारी वुड की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं अभी इसे जाकर काम पर भेजता हूँ और इससे वुड मंगवाता हूँ। मस्त प्लान है। एक सेकंड यार, ये वहाँ पर कर क्या रहा है भाई? पहले ही काम पे लग गया, इतना अच्छा कब से हो गया भाई तू? और ये तू सैंड क्यों माइन कर रहा है? मैंने तो कहा वहाँ पे जाके वुड माइन कर, एक बार में तेरी समझ में नहीं आती। और इसको शील्ड बना के क्या दे दी, तब से पागल हो गया यार, जब देखो शील्ड लगा लेता है। गाइस मुझे लगता है मुझे ही यहाँ पर काम पे लग जाना चाहिए, क्योंकि यार उससे कहने का कोई फायदा नहीं है भाई, वो मेरी सुनता ही नहीं है यार। तुम लोग ही कमेंट्स में जाके कुछ कहो यार उससे, काश वो मेरी सुनने लगे। गाइस यार यहाँ पर एक सीन हो गया है, मैं यहाँ पर बाहर घूम रहा था आराम से, एंड जब तक मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन की, यहाँ पर जो अपना क्रीपर है यार वो मेरे मुंह पे आके फट गया और मेरा पूरा आर्मर वगैरह सब तोड़ गया। तू यहाँ पे पहले फट ले, अबे दीवार में फंस गया है भाई ये। भाई मर ही गया वो, तो मैं उसको मारना नहीं चाहता था वैसे, क्योंकि यार हमारे विलेज में वैसे ही कम विलेजर्स हैं। और भाई उस मनहूस क्रीपर ने मुझे वन शॉट कर दिया पूरे आयरन के आर्मर के साथ। भाई आज तो गाइस कमेंट्स के अंदर हैशटैग मनहूस क्रीपर हो ही जाना चाहिए। एक सेकंड यार, इसे फिर से हनी बीज ने पकड़ लिया भाई, और पंगे ले जाके उनका छत्ता तोड़। और भाई इसको यार हर बार हनी बीज क्यों पकड़ लेती हैं भाई? बेटा बहुत गंदा वो डंग मारती हैं भाई, पॉइजन दे देती हैं वो। तेरी भैंस की निकल यहाँ से, उसे मारेगी। देख मैंने तुझे बचा लिया, अब तू मेरा काम सुन यार, जाके वुड कलेक्ट कर ले थोड़ी सी। गाइस यार मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ टेस्ट करना चाहता था कि अब क्या हम यहाँ पर एग को फेंक के इस बैल को बजा सकते हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा यार, यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। गाइज मैं बहुत सारी वुड ले आया हूँ अभी यहाँ से, सबसे पहले इनकी स्टिक्स वगैरह बना लेता हूँ और साथ में फैंस वगैरह भी बना लेता हूँ। गाइज अपना जो फार्म है वो बनाने वाले हैं हम लोग यहाँ घर के बिल्कुल साइड में, क्योंकि यार यहाँ पर अपनी जो रेंडर डिस्टेंस है वो कम रख कर भी हम उसे चला सकते हैं, इसलिए मैं उसे पास में बनाना चाह रहा हूँ। उसकी वजह से थोड़ा गेम लैग होगा, बट उसका कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर अपने लोग फैंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और तू भी लगा ले यार, कुछ काम कर लिया कर यहाँ पर, फ्री में थोड़ी आया यार वर्ल्ड के अंदर। एक सेकंड यार, बॉट क्या कर रहा है यार तू? डॉन ऐसे लगाएगा भाई तू? फैंस ऐसे लगाएगा भाई? ऐसे थोड़ी लगती है फैंसेस यार, इसे फैंस लगाना तक तो आती नहीं, पता नहीं मैंने इसे क्यों ले लिया। और साइड में हट हट अंदर को, मुझे यहाँ पर अपना वो लगाना है। अबे हट जा यार, क्या भाई क्या बॉट है क्या? बिल्कुल ही साइड में हो जा थोड़ा सा, मुझे यहाँ पर फैंस लगाने दे। और ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? नहीं नहीं गाइस यार, किसी ने कुछ नहीं देखा, इसने भी कुछ नहीं देखा, इसका मुंह उधर की तरफ है। और भाई ओए क्या कर रहा है? टेलीपोर्ट कर रहा है क्या? भाई तू क्रिएटिव में कैसे जा सकता है भाई? सर्वाइवल वर्ल्ड है, यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे कर रहा है भाई ये? वैसे इसके पास कौन सी सुपर पावर्स आ गई हैं ये? गाइस वेल अपना जो फार्म था वो पिछली रात को ही बन गया था, और मैं क्यों दिखाने जा रहा हूँ भाई, इसमें कुछ है भी तो नहीं चार दीवारी के अलावा। यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ी बहुत अपना वीड वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी लाना है हम लोगों को एनिमल्स को। और यहाँ पर हमारे पास कैरेट्स भी हैं तो हम पिक्स को भी ला सकते हैं। और ये भी तू एक ब्रीड ले ले, और थोड़ा सा सीड वगैरह ले ले, और मेरे साथ चल, हम लोग को लाना है यहाँ पर शीप्स काउस एंड पिक्स और चिकन्स को। इसकी भैंसी क्रीपर मारूँ? भैंस यहाँ की दिन में कैसे स्पॉन हो रहा है ये? तेरी भैंसी क्रीपर यहाँ से निकल चल। गाइस यार सामने मुझे काफ़ी सारी कलरफुल शीप्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, यहाँ पर वाइट शीप है, ब्राउन शीप है, और साथ में ब्लैक शीप भी। भाई तीन तीन अलग अलग कलर की शीप्स वो भी एक ही जगह मुझे मिली हैं यहाँ पर। इन तीनों को लेके चलते हैं अपने घर के पास और इनको अपने फार्म के अंदर डालते हैं। तो गाइस यहाँ पर फाइनली मैं इन लोग को लेके अपने फार्म के पास पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर एक काओ भी आ गई है, और इसने यहाँ पर चिकन्स को भी डाल दिया है यहाँ पर अंदर ला के, जो कि यार बहुत ही अच्छी बात है। और भाई उन्हें वहाँ क्यों रोक रहा है यार? फार्म के अंदर आने दे यार उन्हें, और लेफ्ट करके चला गया फिर से। भाई इसका यही रहता है हमेशा, बीच में ही लेफ्ट करके चला जाएगा, वीडियो को कबाड़ा करना इसको ज़रूरी होता है भाई हर बार। अबे यार ये शीप्स अंदर ही नहीं आ पा रही, लगता है मुझे अपना फार्म यहाँ पर तोड़ना चाहिए। और ये वापस से आ गया है, जो कि यार अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे लगता है इस फेंस गेट को मुझे यहाँ पर हटाना पड़ेगा, तभी अंदर आएंगे। और मुर्गे बाहर कहाँ जा रहा है तू? तेरी भैंस की बाहर जाएगा वो मरेगा, देख अंदर आ जा चुपचाप। और तुम लोग भी अंदर आ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, अगर तुम एक मिनट में अंदर नहीं आए तुम तीनों को मार दूंगा मैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली जो तीनों शीप थी वो यहाँ पर अभी अंदर आ चुकी हैं, और अभी जल्दी से मैं यहाँ पर जो अपना फेंस गेट है ये लगा देता हूँ, ताकि यहाँ से कोई भी और मुर्गा बाहर ना जा पाए। और जो वो मुर्गा बाहर गया था उसके साथ क्या हुआ गाइस वो मत पूछना यार, उसके साथ बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ यार उसके साथ गाइस। और मुझे नहीं लगता यार हम लोग को यहाँ पर अभी वीट फार्म बनाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि यार हमारे घर के सामने विलेजर ने इतना अच्छा फार्म बना रखा था जिसको मैंने कल रात मार दिया।
फिलहाल जो उसका फार्म है उसे हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो गाइस जो अपना पहला टास्क था यहाँ पर एनिमल्स के लिए फार्म बनाना, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क जो हमारा है गाइस वो है डायमंड फाइंड करना, तो अभी डायमंड फाइंड करने चलते हैं। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ यार हम लोगों को केव के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग करनी चाहिए, उससे हमें डायमंड्स और ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से सीधे 12 लेवल तक माइनिंग करके पहुँचता हूँ। एक सेकंड भाई, यहाँ पर तो एक पूरी की पूरी माइन शाफ्ट है यार, यहाँ पर जल्दी आके देखो, यहाँ पर पूरी की पूरी एक माइन शाफ्ट बनी हुई है लिटरली भाई। ये तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ पे हमें माइन शाफ्ट के अंदर डायमंड्स भी मिल सकते हैं। वेल बट यहाँ पर आयरन है, इसे माइन कर ले दूँ, और यहाँ पर तो डेड एंड है, यहाँ पर तो आगे कुछ नहीं है। उस तरफ जाकर देखते हैं, वहाँ पर हो सकता है कुछ हो, क्या पता हम लोग को यहाँ पर कोई चेस्ट वगैरह ही मिल जाए। एंड यार बहुत बड़ी माइन शाफ्ट लग रही है मुझे पूरी केव के अंदर है। और तीर कौन मार रहा है? अभी दो स्केलेटन है यहाँ पे, दो ओ जल्दी इधर आ, यहाँ पे दो स्केलेटन है। मैं अपनी शील्ड लगा लेता हूँ सबसे पहले यहाँ पर, और अब आओ भाई कौन है स्केलेटन, एम बॉट यहाँ देखो। अरे ये तो एक आपस में ही लड़ रहे हैं, एक तो गया, ये तो गया, और तू तू आ रहा जा, तू भी गया भाई। वेल गाइस हम लोगों ने वाली माइनशाफ्ट अभी के लिए छोड़ दी है, क्योंकि यार उसे एक्सप्लोर अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और सामने यहाँ पर रेड स्टोन है, इसे कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी हम लोग को गोल है डायमंड फाइंड करना, तो 12 लेवल पर ही हम लोग को यहाँ पर डायमंड्स मिलने वाले हैं। तो 12 लेवल पर हम लोग स्ट्रेट माइनिंग करने वाले हैं यहाँ पर। और तेरी बहस की यार आज कितनी स्केलेटन आ रहा है मेरी वीडियो के अंदर, तू तू हड्डी भाई। ओए जल्दी अंदर आ जा, अभी हम लोग को अपनी माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग आयरन की पिकैक्स का यूज़ करने वाले हैं गाइस। और ओए हट जा यार साइड में को, वहाँ पर बहुत सारी ग्रेवल है, उसे माइन मत कर, ग्रेवल माइन करते करते तेरे 7 जन्म निकल जाएंगे। इधर साइड में माइन कर ले यार, उधर वाली थोड़ी सी साइड में तू माइन कर, मैं इधर माइन करता हूँ। और हम लोग को आज ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड्स इकट्ठा करने हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर पूरी माइनिंग की क्लिप दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं आप लोग को वो मोमेंट दिखा दूंगा जहाँ पर मुझे डायमंड्स मिलेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर डायमंड माइनिंग करते करते केव में आकर गिर गए थे, और यहाँ पर गाइस हम लोग को थोड़े से डायमंड्स भी दिखाई दिए। तो मैं हम लोगों ने यहाँ से थोड़े से डायमंड्स माइन कर लिए, और अभी हम लोग यहाँ पर एक डायमंड की पिकैक्स बनाने वाले हैं, और यहाँ से हम लोग ऑक्सीडियन लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेदर का पोर्टल भी बनाने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो गाइस ये रहे वो डायमंड जिनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था, देख सकते हो यार यहाँ पर डायमंड्स हैं केव के अंदर, यहाँ बिल्कुल लावा के पास में। तो मैंने यार बहुत ज़्यादा उससे माइन करने वाला हूँ, क्योंकि यार एक भी डायमंड यहाँ पर वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेयर है वैसे यार, बहुत मुश्किल से हम लोग को यहाँ पर मिले हैं। मैं तुम लोग को लास्ट में दिखाऊंगा हम लोगों ने आकर कितनी ज़्यादा माइनिंग की है थोड़े से डायमंड्स के लिए। गाइस इस केव के अंदर यार कुछ ज़्यादा ही लावा है यार, मुझे यहाँ पर सबसे पहले सारे का सारा लावा जो है ऑक्सीडियन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑक्सीडियन माइन करूँगा। तो गाइस अब बहुत हो गई यार यहाँ पर माइनिंग, हम लोग यहाँ पर लगातार 2 घंटों से माइनिंग कर रहे हैं, और अभी तक यार हम लोग को सिर्फ 20 डायमंड्स ही मिले थे, जिसमें से यार 3 की तो मैंने पिकैक्स बना ली, उससे ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिया। और अब गाइस हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यार अब हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं कुछ माइनिंग करते करते। और भाई सामने एक और स्केलेटन आ गया यार, आज की वीडियो में कितने सारे स्केलेटन यहाँ पर दिखाई दिए और मारे पड़ा भाई ये तो इसको। ओए सामने से हट जा, अबे तू क्यों खाए पड़ा है यहाँ से, मर जाएगा भाई तू, हट जा सामने से, हट जाया कर, मुझे क्यों मार रहा है, मैंने थोड़ी कुछ किया। अच्छा तो गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो लिटरली हम लोगों ने यहाँ पर कितना ज़्यादा माइनिंग किया है, कॉबल स्टोन देख सकते हो भाई, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो भाई 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने कितना ज़्यादा माइनिंग किया। लैपिस लाजुली भी हमें यहाँ पर मिला है, रेड स्टोन तो भाई पूछो ही मत, और डायमंड्स अभी हमारे पास 15 बचे हैं, और गोल्ड भी काफ़ी सारा है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टैक्स भर के हमारे पास आयरन भी है और कोल भी है। गाइस अभी हम लोगों को यार यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट ऊपर जाने वाले हैं यहाँ से सीधे माइन करके, और मैं यहाँ पर बाहर आ भी चुका हूँ, और वो भी आता ही होगा, और अपने घर के कोऑर्डिनेट्स देख के हम लोग अपने घर पे पहुँचते हैं। ओके यार अपना विलेज यहाँ पर दिखने लगा है, तो अपना घर भी समझो यहाँ पर आ ही गया, तो अभी घर पर चल के सबसे पहले सो जाएंगे, और कल उठते ही हम लोग यहाँ पर नेदर पोर्टल बनाने वाले हैं। गाइस मैं यहाँ पर सारा का सारा सामान सॉर्ट करके रख देता हूँ, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा ही सामान हो चुका है इस माइनिंग के बाद हम लोगों के पास। रेडस्टोन तो भाई तुम लोग देख ही सकते हो लिटरली यार हम लोग को कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली अब रेडस्टोन माइनिंग पे जाने के लिए। अबे क्या चाहिए तुझे, तेरी भैंस की टांग, मुझे तीर मारेगा तू भाई। ये देखो गाइस यहाँ पर मैंने सारे के सारे डायमंड्स वगैरह सब यहाँ पर आराम से सॉर्ट करके रख दिए हैं। गाइस यार हम लोगों ने इतना ज़्यादा ग्रेविल माइन कर लिया, बट फिर भी हम लोग को यहाँ पर फ्लिंट नहीं मिला, और यहाँ पर हम लोग को फ्लिंट मिल गया भाई, दूसरे ग्रेविल के अंदर ही फ्लिंट मिल गया यार। यहाँ से सबसे पहले आयरन निकालते हैं और एक फ्लिंट एंड शील बना लेते हैं। गाइस जो अपना नेदर पोर्टल है वो घर के यार आसपास में ही बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो यार ये एरिया काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, यहाँ पर ही अपना नेदर पोर्टल बना देते हैं।
तो गाइस अभी फाइनली यहाँ पर टाइम आ चुका है इसे लेट करने का, और अभी हम लोग यार इसके अंदर नहीं जाने वाले क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। और ओए मत जाना, तुझसे कहा, अभी कहा तुझसे नहीं जाना, फिर जा रहा है यार ये इसके अंदर। भाई कभी मेरी बात ही नहीं सुनता यार ये। ओए तू यहीं रुक, मैं एक बार जाके चेक करके आता हूँ। वो डायमंड की पिकैक्स का ख्याल रख वहाँ पर। भाई यार ये मेरी डायमंड की पिकैक्स, अगर कुछ हो गया ना भाई मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे यहाँ पर। और यार एक अच्छा सा स्पॉन मिलना चाहिए हम लोग को यहाँ पर नेदर के अंदर। और यार आसपास कहीं लावा वगैरह हुआ ना तो भाई, और अगर मेरी डायमंड की पिकैक्स कुछ हुआ भाई तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ पर। ये कैसी अजीब सी जगह है भाई। ओ माय गॉड भाई, नीचे नीचे मत देखना, नीचे गिर मत जाइयो। ओए साइड में हट, नीचे गिर जाएगा वरना तू। अभी यार पहली फुर्सत में अपने वर्ल्ड के अंदर फौरन निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि नेदर यार बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर थोड़े से क्वार्ट्स है, बस इसे माइन कर लेते हैं एंड अपने वर्ल्ड में चलते हैं दोबारा से। गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।